साथियों नमस्कार। साथियों करीब दो तीन मिनट बात करने के बाद मैं आपको टी शर्ट का मेजरिंग बताऊंगा कि टी शर्ट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। एक वूलन टी शर्ट जिसका बखूबी मेजरमेंट मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए आप पूरी वीडियो देखें। बहुत सारे साथियों का रिक्वायरमेंट भी था कि सर आपने बिल्कुल काम की बात शुरू कर दी और कुछ जो मोटिवेशन देते थे वो बंद कर दिया आपने। तो साथियों आज अब हम साल का लास्ट भी चल रहा है और इच्छा हुई आपसे बात करने की। देखिए सफलता का सफर जो होता है वो इतना आसान नहीं होता है। सफलता का सफर आसान नहीं होता, उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और जो लोग उन कठिनाइयों को रियलाइज करते हैं और कठिनाइयों को आराम से झेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो लाइफ में जरूर तरक्की कर जाते हैं। आप कितने पढ़ लिख लीजिए, आप सुंदर होइए, हैंडसम हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है साथियों। कॉन्फिडेंस यानी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, यानी आपको अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस, यानी आपको अपने जज्बे के ऊपर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जब आपको अच्छा हो जाएगा, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ये सोच के करें कि ये काम में मैं बिल्कुल 100% परफेक्ट करूंगा। यानी कि साथियों कुछ उदाहरण हम आपको देते हैं, जैसे अगर हनुमान जी श्रीलंका से सोच लेते कि अरे मैं तो धौलागिरी पहाड़ ले आ पाऊंगा या नहीं ले आ पाऊंगा, तो शायद वो सफल नहीं होते। लेकिन हनुमान जी को पूरा विश्वास था कि मैं श्रीलंका से जाऊंगा और हिमालय पे जाऊंगा और धौलागिरी पहाड़ को लेकर आऊंगा, लक्ष्मण जी की जान बच जाएगी। इसी प्रकार साथियों जब इतना बड़ा पहाड़ खोदने के लिए दशरथ मांझी ने पहला जो है फावड़ा डाला होगा, तो वो ये सोच के नहीं डाला होगा कि अरे मैंने बस एक महीना 10 दिन 20 दिन कर लिया अब छोड़ देंगे, नहीं, लगातार उसने कामयाबी के लिए लगातार संघर्ष किया, कितनी मुसीबतें झेला, कितनी परेशानियां हुई होंगी और बहुत यातनाएं झेल करके उसने लास्ट में उस पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। उसी प्रकार साथियों हजारों प्रमाण हैं इस देश में जो कि आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ बहुत सारी दिक्कतें झेलते हुए आदमी जो है कि आसमान की बुलंदियों पे चढ़ता है। और इकट्ठा कोई भी साथियों सोचे कि मैं इकट्ठा बादशाह बन जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे जो हमारे देश के बड़े बड़े रईस क्यों ना हो, उनकी भी बैक जिंदगी उठाकर आप देखेंगे तो निश्चित पाएंगे कि वो भी पिछले टाइम में कभी ना कभी बहुत लोअर थे, बहुत छोटे लेवल पे थे। उन्होंने मेहनत किया, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस किया, खुद के ऊपर विश्वास किया और आज वो अपार धन के मालिक है, अपार शोहरत के मालिक है। इसी प्रकार साथियों आप जहां भी काम कर रहे हैं, जिस भी लेवल पे हैं, जिस भी पोस्ट पे हैं, उस काम को बखूबी ईमानदारी से निभाइए और साथ में आगे का काम सीखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहिए। डेफिनेटली आप एक दिन अचीव कर लेंगे अपने फ्यूचर को। दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता साथियों, कोई भी मुश्किल काम नहीं होता, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप एक भी प्रमाण देखिए कि एक भी काम ऐसा है जो न हुआ हो। निरंतर प्रयास, रेगुलरिटी। बचपन में आपने साथियों वो किस्सा सुना होगा, कहानी पढ़ी होगी दर्जा 6 और 8 के अंदर कि कछुआ और खरगोश में हराबाजी लगी कि कौन नदी के किनारे जल्दी पहुंचेगा। खरगोश तेज भागा और जा करके उसको थकाई लग गई और पेड़ के नीचे वो आराम करने लगा। कछुआ धीरे 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 चलता रहा, रेगुलर पहुंच करके वो खरगोश से पहले कछुए ने नदी की सीमा तय कर ली। साथियों
इसी प्रकार निरंतर प्रयास आपका आपको आपकी मंजिल पे डेफिनेटली पहुंचा देगा। आइए साथियों, आज हम एक वुलन टी शर्ट की स्पेक्स सिखाएंगे आपको, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं सर। आज हम लेडीज स्वेटर यानी लेडीज टी शर्ट जो वुलन से है उसका स्पेक्स करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे मेजरमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम आर्म पिट टू आर्म पिट चेस्ट का माप करते हैं। साथियों नजदीक से दिखाइए भाई, 55। फिर से दिखाइए एक बार, आर्म पिट टू आर्म पिट मेजरमेंट चेस्ट का 55। ओके, एंड 27 cm डाउन जो होता है साथियों वो चेस्ट होता है। तो 27 cm पे हम चेस्ट फिर नापते हैं, यानी कि 27 पे जो है आपका चेस्ट आया साथियों 45.5। क्लियर दिखाइए, 45.5। अब हम बेस्ट नापते हैं, यानी आर्मोल और बॉटम के बीच में, यानी कि बेस्ट एरिया हमारी ये 43.5। साथियों बॉटम का मेजरमेंट लेते हैं, यानी कि बॉटम आपका 42.5। क्लियर दिखाइए भाई। उसके बाद साथियों हम एचपीएस लेंथ का मेजरमेंट लेते हैं। एचपीएस लेंथ यानी हाई पॉइंट शोल्डर से 63, यानी कि हम सेंटर बैक का माप लेते हैं साथियों, सेंटर बैक से 65 सेंटर बैक। आइए साथियों अब हम आर्मोल का मेजरमेंट लेते हैं कि आर्मोल कितना है। तो आर्मोल आपका 17 यानी शोल्डर यानी हाफ शोल्डर 18 एंड फुल शोल्डर 56.5। नेक विड्थ सीम टू सीम का मेजरमेंट लेते हैं साथियों, नेक विड्थ सीम टू सीम 24। देखिए पूरा दिखाइए इधर से 24 एंड फ्रंट नेक ड्रॉप एचपीएस से सीम तक, यानी कि सीम तक 12 एंड अपर अगर दिया हुआ है साथियों बायर ने तो 9, यानी एज तक अगर लेना है आपको तो वो जो है 9, अगर सीम तक लेना है आपको तो ये 12 हो जाएगा। नेक बाइंडिंग की विड्थ जो है साथियों, नेक बाइंडिंग विड्थ है 2.5, यानी स्लीव का लेंथ लेते हैं साथियों, स्लीव लेंथ जो है दो तरह से नपती है, एक तो ये शोल्डर के पॉइंट तक यानी आर्मोल तक ये 47.5 है, अगर हम सेंटर बैक तक नापते हैं तो ये आपका 79 सेंटीमीटर। आइए साथियों मसल का मेजरमेंट लेते हैं, यानी कि मसल आपका ये करीब 15 cm एंड एल्बो नापते हैं साथियों 12 सेंटीमीटर, यानी कि स्लिप ओपनिंग 8 सेंटीमीटर एंड स्लिप ओपनिंग खींच कर यानी कि 12 सेंटीमीटर। आइए साथियों अब हम क्रॉस फ्रंट का मेजरमेंट लेते हैं। क्रॉस फ्रंट हमेशा साथियों एचपीएस से 11 सेंटीमीटर नीचे नपता है, यानी कि क्रॉस फ्रंट हमारा 56 इंच, यानी क्रॉस बैक हमेशा
12 सेंटीमीटर एचपीएस पर नपता है साथियों, यानी कि क्रॉस बैक हमारा 59 सेंटीमीटर। आइए साथियों पैच वर्क का मेजरमेंट लेते हैं। पैच वर्क का जो लंबाई है वो 37 सेंटीमीटर है। पूरा दिखाइए वहां से, यहां से वहां तक 37 सेंटीमीटर का आपका पैच वर्क है। एंड दोनों तरफ से पैच वर्क से साइड सीम की दूरी है साथियों 7 एंड 7, यानी कि दोनों इक्वल है। तो आपने समझा साथियों, मेजरमेंट के बारे में आपने जान लिया, और आशा करता हूं कि आपको मेजरमेंट अच्छी तरह से, यानी इस टी शर्ट का, उबलन टी शर्ट का मेजरमेंट अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। इसको एक बार, दो बार, 10 बार देखें साथियों, आपको अच्छी तरह से इसका नॉलेज हो जाएगा और आप अच्छी तरह से मेजरमेंट करना सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।